Okay, so in today's class we will be dealing with number system, or you can say that we will be dealing with real number. जो आपके book में जो chapter का नाम है, that is given as real number. But real number में भी हम लोग numbers पढ़ रहे हैं, and real numbers are basically a part of this number system. So हम लोगों ने इस chapter का नाम रखा है number system. ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सर ये नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. अब एक एक करके बातें करते हैं. देखो, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू टेक यू एट द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. जब इंसानी सभ्यता, जब धीरे धीरे पीपल वेयर मूविंग टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, जैसा कि आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, देन दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स, एंड व्हेन दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स दे स्टार्टेड काउंटिंग थिंग्स. ठीक है, तो काउंटिंग कैसे किया उन्होंने? उन्होंने काउंटिंग किया, जो काउंटिंग किया उन्होंने, वो उन्होंने किया 1, 2, 3, इस तरीके से इन्होंने काउंटिंग चालू किया. तो ये जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स हमारे काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. कौन से हुए सर नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो नंबर हुए जो कि हमारे काउंटिंग के लिए यूज होते हैं. दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर एक जीरो की डिस्कवरी हुई. एक और नंबर इनके साथ ऐड हो गया, जो जिसे हमने कहा जीरो. और इस सेट को जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड काउंटिंग नंबर के कलेक्शन को हमने एक नाम दिया, जिसको हमने बोला होल नंबर्स. ठीक है, ग्रेजुअली आवर एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द थिंग्स, एंड वॉट दे मेड ए नोटेशन. क्या नोटेशन बनाया उन्होंने? उन्होंने नोटेशन ये बनाया कि वॉट एवर इज कमिंग टू मी डैट विल बी डिनोटेड बाई पॉजिटिव, वॉट एवर इज गोइंग फ्रॉम मी डैट विल बी डिनोटेड एज निगेटिव. इफ योर फ्रेंड, इफ समबडी, इफ वन ऑफ माई कलीग इज गिविंग मी 100 rupees, दैट मीन्स आई एम गेटिंग प्लस 100. But at the same time, 100 is going from his pocket, so he is giving, for him it will be minus 100. यहाँ पे एक plus और minus का एक notation आया. Then they thought that like the counting numbers, जैसे plus 1, plus 2, plus 3 है, इसी तरीके से minus 1, minus 2, minus 3 भी हो सकता है. So our civilization developed and we were having the numbers as minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and dot, dot, dot. This whole collection of the numbers was given a name, and that was called as integers. So अभी तक हमने तीन टाइप के नंबर्स पढ़े. क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, that is called as your counting numbers, 1, 2, 3, 4, 5, up to जहां तक ले जाना चाहो वहां तक. Then we have whole numbers. Whole numbers में क्या होता है? Whole number just include zero. Now zero is very special. तो zero को इंक्लूड करने के बाद जो सेट बना, डेट इज कॉल्ड एज होल नंबर्स. देन वी हैड नेगेटिव नंबर्स, और उसके सेट को जब हमने इंक्लूड किया होल नंबर्स के सेट के साथ, देन वी हैड ए न्यू सेट, डेट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स. तो तीन टाइप के सेट हुए हमारे पास. अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, या जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे, उन्होंने कुछ चीजों को और ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया सर? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है. क्या प्रॉपर्टी होती है नेचुरल नंबर्स की? कुछ नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं और कुछ नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, 4 जो है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बट 3 जो है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. सिमिलरली जो 5 है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, बट ये जो 6 है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. तो इस टाइप से उन्होंने अपने नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का एक और क्लासिफिकेशन कर दिया, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज इवन नंबर एंड ऑड नंबर. तो हमारे इस नेचुरल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज इवन नंबर एंड ऑड नंबर. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की क्षमता और थोड़ी सी बढ़ी.
तो दे ऑब्जर्व वन मोर थिंग व्हाट दे ऑब्जर्व दैट देयर आर सम नंबर्स जो कि खुद से और वन से डिवाइड हो रहे हैं और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि खुद से और वन से इसके अलावा कुछ और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ वन से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है. बट 4 एक ऐसा नंबर है जो वन से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है. तो अब इन नंबर्स को भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए न्यू कैटेगरी ऑल टुगेदर. तो ऐसे नंबर्स जो खुद से इट सेल्फ या सेल्फ बोल लो एंड वन से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हमने बोला प्राइम नंबर्स. ठीक है. और जो नंबर्स वन से इटसेल्फ इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो, इन नंबर्स को हमने बोला कंपोजिट नंबर्स. इसको क्या बोला अपन ने? कंपोजिट नंबर्स. ठीक है. कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर के एग्जांपल हमारे पास दुनिया भर के भरे हुए हैं. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? 2, 3, 5, 7, 9. 9 प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है. 2, 3, 5, 7, 11. ये जो नंबर्स हुए, एंड डॉट डॉट डॉट, दीज आर द प्राइम नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हो गए? कंपोजिट नंबर्स आर 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट. अब समस्या ये आ रही है कि मैंने 2 से लेकर 10 तक के सारे नंबर लिख दिए. देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बट 1 को मैंने छोड़ दिया. व्हाट अबाउट 1? ना ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में है, ना ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में, तो है क्या ये 1? द आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. इस बात को ध्यान रखना. ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि लार्जेस्ट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता. हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो अगर हम बात करें तो ये जो 1 होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. इस बात को याद रखना हमेशा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ठीक है. अब समस्या ये, एक और समस्या आई, सर क्या ये क्लासिफिकेशन सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए है या ये क्लासिफिकेशन इंटीजर्स के लिए भी है? ये क्लासिफिकेशन, इवन ऑड का क्लासिफिकेशन, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का क्लासिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए है. तभी मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. अगर ये क्लासिफिकेशन इंटीजर्स के लिए भी होता तो फिर ना हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता पाते, ना हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता पाते. तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस क्लासिफिकेशन इज फॉर ओनली फॉर दिस प्राइम नेचुरल नंबर्स. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं. हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, नेचुरल नंबर्स के बाद फिर हमने होल नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स के बाद फिर हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स का, फिर हमने इंटीजर्स पढ़ा, इंटीजर्स के बाद फिर हम वापस आए नेचुरल नंबर्स में. नेचुरल नंबर्स में हमने 2 टाइप के नेचुरल नंबर्स पढ़े. एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर. इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं. कंप्लीटली डिवाइड मतलब द रिमाइंडर इज 0. एंड ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं. दैट मींस दे लीव सम रिमाइंडर व्हेन दे आर बीइंग डिवाइडेड बाय 2. Okay, so these are the 2 type of numbers, even number and odd number. Then after that, what happened? That we classified our numbers into two more categories. That is called as the prime number and the composite number. Prime number are the numbers that are divisible by only 1 and the number itself. Whereas composite numbers are the numbers that are divisible by 1
and the number itself. In addition to this, they are also divisible by any other number. For example, 13. अगर हम 13 की बात करें तो 13 is only divisible by 1 and 13. इसके अलावा और किसी number से ये 13 divide नहीं होता है. 31 is also divisible by 1 and 31. इसके अलावा ये number किसी और number से divide नहीं होता है. एक और चीज यहाँ पे याद रखिए आप लोग, the smallest prime number is 2. The only even prime number is 2. Let me write it. ये जो 2 है, this is the smallest prime number. Prime number. And this 2 is also the only even prime number. Two is also the only even prime number. So what we are having, there are two type of things. Two is the smallest prime number. Two is the only even prime number. Iske alawa jo numbers hain, three is the smallest odd number, and the series goes on. ठीक है. Mostly जो odd numbers होते हैं, they can only be categorized as either they will be a even prime number or they will be a composite number. But अगर कोई even number आपको दिया है, then definitely it has to be a composite number. Odd number के बारे में अपन नहीं कह सकते, लेकिन even number के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर कोई even number दिया हुआ है except 2, तो सर ये तो पक्की सी बात है, जाहिर सी बात है कि सर ये तो composite number ही होगा. For example, 169 is a composite number. Odd number है, लेकिन ये composite number है. 91 is a composite number. 93 is a composite number. 95 is a composite number. 97 is a composite number. सही बोल रहा हूँ? 97 is a composite number. Is my statement correct or incorrect? No. Good. Incorrect. Thank you. What is your name? जिसने सबसे पहले no बोला, what is your name? What is your good name? Sir Varinium here. Okay, Varinium. I like your energy. Good. So 97 is not a composite number. It is a prime number. 99. It is a composite number. नॉर्मली देखो, याद करने के लिए आप कहीं तक भी नंबर्स याद कर सकते हो, प्राइम और कंपोजिट. बट आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड रिमेम्बर कम से कम 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ये आपके टिप्स में होने चाहिए. देयर आर सम 25 प्राइम नंबर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. बट देयर आर सम 25 प्राइम नंबर्स ओवरऑल बिटवीन 1 to 100. ठीक है, चलो. Somebody wants to say something, एक बार देख लें. Sir, there is a trick. हाँ, ठीक है. Yes, there is a trick, but we are not concerned about that trick. वो कुछ square root करके जो number दिया हुआ है उसका square root करो, जो approximate value आती है उसके factor से उस number को divide करो. अगर perfectly divisible है तो that number is a prime number. अगर perfectly divisible है तो that number is a composite number. अगर perfectly divisible नहीं है तो that number is a prime number. इस type से कुछ होता है, मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि मैंने कभी ट्रिक, मैंने ना मैं ट्रिक में भरोसा करता हूँ ना मैं ट्रिक्स सजेस्ट करता हूँ. हाँ, yes, मुझे 100 तक के नंबर याद करने थे, 100 तक के नंबर मैंने याद कर लिए. थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन याद कर लिया. कौन सी बड़ी बात है यार, इतनी चीजें याद रखते हो, थोड़ी सी ये भी याद रख लो ना. चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे लेके जाते हैं. अब इंटीजर्स हो गया. इंटीजर्स के बाद जब अपन आगे बढ़े तो अगला जो नंबर आया, डेट नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर. अभी रैशनल नंबर क्या होता है सर? रैशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन इफ यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट सोर्सेज, अगर आप डिफरेंट सोर्सेज के पास जाओगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी. बट व्हाट डेफिनेशन आई एम गिविंग यू, That is the final definition. ठीक है, इसी definition पे बात करना, इसके अलावा कोई definition मत याद करना. ठीक है, a number that is expressed in the form of p upon q, where p and q are integers, and
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसमें एक कंडीशन और होती है, वो क्या होती है? पी एंड क्यू आर को प्राइम. यस, पी एंड क्यू आर को प्राइम. अगर को प्राइम नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम है. पी एंड क्यू आर को प्राइम. जब आगे जाके हम लोग इरेशनल नंबर्स प्रूफ करेंगे, वहां पे इस लाइन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, दैट द नंबर्स दैट वी आर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी को प्राइम. अगर को प्राइम नहीं हुए तो हम जिंदगी में कभी इरेशनल नंबर प्रूफ कर ही नहीं सकते. तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड P and Q are integers. Q is not equal to zero and P and Q are coprime. अब यहाँ पे एक वर्ड आया coprime. ये coprime उस समय रह गया था. सर ये coprime क्या होता है? एक वर्ड आया coprime. सवाल ये उठता है कि हे गॉड कौन है भाई? Not again. पता नहीं कौन है यार, चला गया लगता है. क्या यार, क्या करते हो यार तुम लोग, ऐसे मत किया करो यार. थोड़ा ना रिलेटेड का काम कर रहा है वो. नहीं नहीं वो ठीक है, बट आई वांट टू इनेबल दिस वेटिंग रूम. कोई बताएगा मुझे वेटिंग रूम कहाँ से इनेबल करते हैं? सिक्योरिटी. इसमें सिक्योरिटी कहाँ से आती है? सर रूम के मेन पेज पर जाइए. अच्छा पहले शेयरिंग ऑफ करूं क्या? नहीं सर, मतलब वो जहाँ पे आपका सेटिंग्स होगा ना, मीटिंग सेटिंग्स वही हो जाएगा. यार ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मीटिंग सेटिंग मुझे दिख नहीं रहा है. मीटिंग इन्फो सारी चीजें दिख रही हैं, बट मीटिंग सेटिंग दिख नहीं रहा है. आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस शेयरिंग यार. अच्छा रुको, अब करना ही पड़ेगा क्या? एंड द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव शेयर्ड ओनली द पीपीटी, सो वी आर एबल टू सी दैट ओनली. हां हां नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. करना ही पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है. हाइड वीडियो साउंड स्टॉप रिकॉर्डिंग पॉज. मैं करना नहीं चाहता यार ये चीज. अच्छा हां मिल गया, सिक्योरिटी मिल गया. अच्छा इसमें क्या करूं? इनेबल वेटिंग रूम. थैंक यू. हो गया. थैंक यू, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट. ओके चलो बिगिन करें. यस सर. अरे यार गड़बड़ हो गई. चलो ठीक है. सो व्हाट वी आई वाज सेइंग दैट नाउ वी आर हैविंग, हम कहां थे? हाँ, तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. Q is not equal to zero and P and Q are coprime. This is what we should remember while reading about rational numbers. Rational numbers ko janne ke liye hame ye sari cheeze pata honi chahiye ki sir rational number wo number hote hain jahan pe P and Q are integers, Q is not equal to zero and P and Q are coprime. पढ़ लिया भाई रेशनल नंबर पढ़ लिया. अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं. कौन कौन सी चीजें होती हैं एक बार समझने की कोशिश करते हैं. देखो अब रैशनल नंबर्स कैन बी इंटीजर्स एंड कैन बी फ्रैक्शंस आल्सो. अब यहाँ पे देखो, जब अपन नाइन्थ में थे तो हमने कई टाइप की चीजें पढ़ी थी कि रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ये सारी चीज होती है. आई एम नॉट गोइंग टू इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. क्या जानना जरूरी है? कि अ नंबर कैन बी A number that is appearing to be like that it is not irrational can be expressed as a rational number. For example, if I am saying 0.33333... Now this number can be expressed. This number can be expressed as 1/3. 0.33333. This number can be expressed as 1/3. So this is
व्हाट इज ये नंबर, इस नंबर को अगर हम देखें तो ये नंबर हमें देखने से लग रहा है कि इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, बट आई कैन एक्सप्रेस दिस नंबर, आई कैन कन्वर्ट दिस नंबर इनटू ए रैशनल नंबर एंड आफ्टर कन्वर्जन इट बिकम्स 1/3। तो इस टाइप की चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पास्ट में, पास्ट में मतलब क्लास नाइन्थ में। यहाँ पे एक चीज जो आपका जानना जरूरी है, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि मान लो आपके पास चार पांच नंबर्स दिए होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन इनमें से किस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब इट विल एंड आफ्टर से 5 places of decimal और 2 places of decimal और 3 places of decimal। फाइनली हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है सर, उस थ्योरी को सुन लो। अगर कोई रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये जो क्यू है इसके फैक्टर्स 2 and 5, दैट इज 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n के फॉर्म में हैं, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, इस नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई मीन टू से, 1/8 की बात करें, अगर हम 1/8 की बात करते हैं, अब मुझे बता करना है कि whether its decimal representation will be terminating or non-terminating, so what I will do is, मैं इसके denominator के पास जाऊंगा, this denominator is nothing but 2 raised to the power 3, so without actual division, I can say that sir, this number's decimal representation will be terminating, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लो, डिवाइड करके देख लो, कोई जाना चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हो। डोंट ट्रस्ट मी, डिवाइड, डिवाइड इट एंड टेल मी वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। आफ्टर डिवीजन यू विल फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू 0.125, चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, देखो 1/3 द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.333333, ये चलता चला जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस नंबर में, इसके डिनोमिनेटर में ना 2 का कोई पावर है ना 5 का कोई पावर है, दैट इज व्हाई दिस डेसिमल, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन NTSC अ फ्यू इयर्स बैक, उन्होंने कुछ नंबर्स दिए थे और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो उसमें करना कुछ नहीं था, डिनोमिनेटर को चेक करना था, इफ द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n, वेयर दिस m एंड n आर होल नंबर्स, देन यू कैन वेरी वेल से विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, यू कैन वेरी वेल से दैट यस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है? चलो, although we will be dealing with this in detail, that will be the last part of your topic, but currently, अब जो बात चल रही थी तो बात बता दी मैंने, आगे बढ़ते हैं। भाई रैशनल नंबर तक हमने पढ़ लिया, अब बचता क्या है सर, इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर किस कौन सी चिड़िया है सर, ये कहाँ पाई जाती है? इरेशनल नंबर वो चिड़िया है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मार्क माई वर्ड्स, अ नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अ नंबर हुज decimal, a rational number whose decimal representation is non-terminating and non-repeating is called as irrational number. What I mean to say? Can you please elaborate? Yes, I will.
देखो सभी लोग एक नंबर को जानते हो, बहुत बार यूज किया है, उस नंबर का नाम है रूट टू। सुना होगा रूट टू, सभी लोगों ने रूट टू तो सुना होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इस रूट टू का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब व्हाट इज दिस रूट टू, तो मुझे तो भाई देखो थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक याद है, आप लोगों को डेफिनेटली ज्यादा प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक याद होगा। जरा मेरे को जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रूट टू, 1.414567 8 ऐसे करके है, ठीक है। 5 6 7 8 के बाद ध्यान से देखो मैंने क्या लगाया है, ध्यान से देखो मैंने क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे ये डॉट 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 लगाया है। What does this dot 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 indicates? This dot 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 indicates that sir, it is the not, value will be go on. That this dot 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 indicates that the value will go on and on and on. It is not going to stop at 8. It is not going to stop after 8. It will keep on going and going and going. This type of numbers. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ सर कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ स्पेशल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और दैट फेल टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, पहली चीज। दूसरा एक डाउट यह आता है बच्चों के मन में कि सर आपने तो बोला था कि जैसे टू है, ठीक है, टू तो हमने पढ़ा, अभी पिछले आधे घंटे से आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि टू इज ए नेचुरल नंबर, ओके, बट टू कैन ऑल्सो बी सेड, टू कैन ऑल्सो बी रिटन एज टू अपॉन वन, तो सर ये टू जो है ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, समझ में आती है बात। सर इसी तरीके से क्या मैं रूट टू को, जिसको आपने बताया कि ये एक इरेशनल नंबर है, मैं इसको रूट टू अपॉन वन भी तो लिख सकता हूं, तो अब तो मैंने इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या ये रैशनल नंबर हो गया? नहीं सर, वो रूट टू इंटीजर नहीं है ना, इसलिए। गुड, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन टू यू फ्रॉम यू गाइस। जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो नंबर विल गिव रैशनल नंबर ओनली। पार्टन, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? समझ में नहीं आया बेटा, कैन यू प्लीज रिपीट सर? एनी ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर? नो, आई एम नॉट टॉकिंग, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन ऑन इरेशनल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर्स नाउ। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सर जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने क्या बताया था, पी एंड क्यू शुड बिलोंग टू इंटीजर, हियर दिस रूट टू, पहली चीज तो ये रूट टू जो है दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विच इज नीदर एंडिंग, दिस नंबर विच इज नॉट एंडिंग, ये उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो सेइंग कि रूट टू को तो मैं रूट टू अपॉन वन लिख सकता हूं, देयरफॉर इट बिकम्स ए रैशनल नंबर इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया, because it is not satisfying my definition. Definition बोलता है कि p and q should be a integer. यहाँ पे p and q are not integer. ठीक है भाई? I hope ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो you cannot write root 2 as root 2 upon 1. तो भाई ये हो गया रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। एक और बहुत पॉपुलर इरेशनल नंबर है, that is pi. एक और बहुत पॉपुलर इरेशनल नंबर है, डेट इज पाई, 3.1417 डॉट डॉट डॉट। अब फिर से एक सवाल आया भाई मेरे मन में, सवाल क्या आया सुनो, सर पाई आपने अभी अभी 30 सेकंड्स पहले आपने बोला कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, यस आई एम नाउ आल्सो आई एम सेइंग दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन सर हम लोग जब सेवंथ में थे, एट्थ में थे, नाइन्थ में थे, तो हमने तो एक चीज सीखी थी कि यूज pi is equal to 22/7.
अब ये क्या है सर, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज एस्टिमेट वैल्यू थी. अब ये क्या है सर, कहीं आप बोलते हो कि पाई इज इक्वल टू 3.14 डॉट 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 और कहीं आप बोलते हो पाई इक्वल टू 22/7, तो 22/7 तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. द आंसर हैज ऑलरेडी बीन गिवन, द आंसर इज पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 22/7. यहां पे ऐसे बना होता है, द पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 या पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 डॉट 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 जो भी हो. फोकस ऑन दिस डॉट डॉट डॉट. अगर आपको कहीं इरेशनल नंबर लिखना है, सवाल आते हैं कि रूट टू और रूट थ्री के बीच का एक इरेशनल नंबर बता दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी नंबर डेट इज ग्रेटर देन 1.4 एंड एनी नंबर डेट इज लेस देन 1.7 and it is an irrational number, that will be a number between root 2 and root 3, provided you have not forgotten this dot dot dot. ye is 3 dot 4 dot ki bahut zyada importance hoti hai, isko kabhi mat bhulna, theek hai, chalo. so I was saying ki bhai ye jo hai aur pi ki definition kya hoti hai, koi bata sakta hai mujhe, what is pi? circumference is to diameter. It is the ratio of circumference is to diameter. Circumference or diameter ke ratio ko hum pi bolte hain. Very good. Theek hai. We will deal with these things separately when we will come to geometry part. Okay. So ab jo hai hamare paas rational number humne pad liya, irrational number humne pad liya, integers pad liya humne, fractions humne dekh liya. Uske baad humne negative integer, whole number, natural number, even number, odd number, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली. फिर हमने इन सारे numbers के set को, इन सारे number के collection को हम बोलते हैं real numbers. इन सारे number के collection को हम बोलते हैं real numbers. ठीक है सर. अब real number क्या होता है सर? Real number is the collection of all these numbers. ठीक है, कौन कौन से नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स. क्यों, व्हाई, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स बिकॉज दीज नंबर्स कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन. इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स. क्या इसके अलावा और कुछ होता है? होता है. इसके अलावा जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इमेजिनरी नंबर. ये इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पढ़ना है, दिस इज नॉट इन स्कोप ऑफ योर सिलेबस, सो आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल. बट एक बात याद रखना कि ऐसा भी एक नंबर होता है जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं. जस्ट टू गिव यू एन इनसाइड ऑफ व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर, अगर कहीं पे हमारे पास ऐसा आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फाइव, अगर कहीं पे हमारे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फाइव, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज imaginary number, because by definition root of a negative number is not defined. Root of a negative number is not a real number. ठीक है, तो real नहीं है तो क्या हुआ? Imaginary ही तो हुआ. तो अगर आपसे कोई पूछे कि what is the definition of imaginary number, तो a number that is not real is called as imaginary number. खत्म. इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बाद में पढ़ेंगे, जब 11th में आओगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है. ठीक है, तो ये तो अध्याय हुआ भाई नंबर सिस्टम के बारे में. इसके आगे अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. आई विल वेट फॉर कितनी देर, सम
अगेन द सेम थिंग जो अपन ने अभी लिखा था, जो अपन ने अभी देखा, दैट इज द सेम रिप्रेजेंटेशन. नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, होल नंबर हम पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, रियल नंबर हमने अभी अभी देखा क्या होता है, प्राइम नंबर हमने पढ़ा, कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा, को प्राइम नंबर हमने पढ़ा, इवन नंबर हमने पढ़ा और ऑड नंबर हमने पढ़ा. इसके अलावा एक ट्विन प्राइम्स होते हैं, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, कहीं यूज नहीं आता है. को प्राइम्स की जरूर जरूरत पड़ती है, कई जगह जरूरत पड़ती है. हाँ, को प्राइम शायद मैं बताना भूल गया था आप लोगों को उस टाइम पे कि को प्राइम्स क्या होते हैं. को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है. यहाँ पे एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि जो दो नंबर को प्राइम हो वो प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? यस आई कैन. 3 and 4 आर को प्राइम. हाउ भाई? इनका एचसीएफ क्या है? 1 है. बट 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 4 इज ए कंपोजिट नंबर. एक बहुत कॉमन सा मिसकंसेप्शन जो होता है वो ये होता है कि अगर 3 और 4 को प्राइम है, अगर कोई दो नंबर्स को प्राइम है तो दोनों नंबर्स प्राइम होंगे. ये बहुत कॉमन सा एक मिसकंसेप्शन होता है, बट इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से हटा दो, ठीक है. इसके अलावा एक चीज और थी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 12 and 19 अगेन दे आर को प्राइम्स बिकॉज इनका एचसीएफ क्या है? इनका एचसीएफ 1 है. 33 and 35 देखो, एक नंबर और देखो, 33 and 35. नीदर 33 इज प्राइम नॉर 35 इज प्राइम, बट दीज टू नंबर्स आर को प्राइम. दिस इज द ब्यूटी ऑफ नंबर सिस्टम. जितना अंदर जाओगे उतना इंटरेस्टिंग बनता जाएगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक, नंबर सिस्टम. चलो खैर, 92 and 97. वेरी गुड. 92 and 97 92 and 93. एक कोई भी एक प्राइम नंबर ले लें और फिर एक कंपोजिट नंबर. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक प्राइम नंबर लोगे कंपोजिट नंबर लोगे. यहाँ देखो 33 and 35 में दोनों नंबर्स कंपोजिट हैं, फिर भी ये को प्राइम है बिकॉज देयर एचसीएफ इज 1. आगे HCF कैलकुलेट करना जब हम सीखेंगे, then I'll tell you how their HCF is 1. आपको आता भी होगा. इसका प्राइम फैक्टर कर दो, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 into 11. इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 into 7. दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही तो है ना. तो HCF क्या हो गया? 1 हो गया ना. इनका HCF इन दोनों नंबर का क्या हुआ? 1 हो गया. तो जब HCF इज 1, दैट मीन्स द नंबर्स आर co-prime. This is the definition of co-prime. 11 and 21 are also co-prime. Yes? चलो आगे बढ़ते हैं. Okay. अब हम बात करते हैं divisibility की. Now we are slowly and steadily proceeding towards the topic. ठीक है? अब हम बात करेंगे divisibility की. First, let me see how much time is left. Okay, some more than 15 minutes are left, so we can finish up with this thing. Divisibility की. भाई बचपन से हम divisibility, division हम लोग सीखते चले आ रहे हैं. Division के बारे में एक बार नहीं, 1000 बार हम लोगों ने बात की होगी. सब जानते हैं division क्या होता है, कैसे होता है. एक बार फिर से सीख लेते हैं, ठीक है. इस सिंबल को तो आप सभी लोग जानते होंगे. ये कुछ रानी की या राजा के मुकुट जैसा है और यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 35, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे आ गया 5 और ये माइनस किया, यहाँ पे फाइनली बचा मेरे पास 5. ऐसे मत करो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे इस 5 में और इस 5 में. एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो 6 को 39 से जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो यहाँ पे मुझे मिला, अरे यार 42 ले लो इसको,
नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। 6 को जब मैंने 45 से डिवाइड किया, यहाँ पे मिला मेरे को 47, यहाँ पे मिला मेरे को 42, जब मैंने माइनस किया तो फाइनली मेरे को मिला 3। ठीक है, ये आ रही है चीजें धीरे धीरे, थोड़ा सा लैग है। तो अब इसमें क्या हुआ, तो 6 को जब मैंने 45 से डिवाइड किया तो मेरे पास फाइनली लास्ट में ये नंबर बचता है 3, और यहाँ पे मुझे मिलता है 7। अब इनके कुछ नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं पहले इन नामों को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो टॉपिक है वो तो हम अपन पढ़ने वाले हैं। इस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइजर। इस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड। इस 7 को हम बोलते हैं कोशियंट, और इस 3 को हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या क्या सीखा हमने? हमने यही सीखा जो हम बचपन से सीखते आए हैं, और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं 45 divided by 6। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं 45 divided by 6, और जब हमने 45 को 6 से डिवाइड किया तो डिवाइजर हुआ मेरा 6। द नंबर विच इज डिवाइडिंग द गिवन नंबर इज कॉल्ड एज डिवाइजर। द नंबर दैट इज बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई एम गेटिंग 45। द नंबर दैट इज दिस नंबर इज कॉल्ड एज कोशियंट, एंड फाइनली द नंबर दैट इज लेफ्ट दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड is called as the remainder। ये division हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक और formula हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या formula पढ़ा था देख लो यार। एक formula हम लोगों ने पढ़ा था that is called dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर? कि सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। पिछले केस को वेरीफाई करना चाहो तो करके देख सकते हो। 45 इज इक्वल टू 6 × 7 + 3। 45 इज इक्वल टू 6 × 7 + 3। सर क्या यही पढ़ना है हमें? सीरियसली, are you saying that in 10th standard I'm going to study this 5th standard mathematics? No, but this is just a starting. ठीक है, this is just a starting. तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम divisibility की बात करें तो a non-zero integer b is said to be divided by an integer, is said to divide an integer a. कोई नॉन जीरो इंटीजर बी, हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में बी क्या था? 6 था। इज सेट टू डिवाइड एन इंटीजर ए, हमारे केस का जो एग्जांपल ये हो गया बी, ये हो गया ए, अ नॉन जीरो, माइंड इट, यहां पे नॉन निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, नॉन जीरो बोल रहे हैं। अ नॉन जीरो इंटीजर बी is said to divide an integer a, again that a is also non-zero, if there exists an integer q, agar aisa ek dusra integer q exist karta hai, such that a is equal to b into q, here they are, is process ko hum bolte hain perfect division। हम ये नहीं कहेंगे कि 6 डिवाइड्स 45, यहां पे हम ये कहेंगे कि 45 डिवाइड्स 45 बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइंग माय डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर क्यू सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा क्यू हो गया। ठीक है, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज वी विल सी इट लेटर ऑन। ठीक है,
For example, 5 divides 35 because there is an integer 7 such that 35 is equal to 5 into 7. ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं. अगर हम इसको परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं तो हम इसे बोलते हैं बी डिवाइड्स ए, और अगर हम परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाते हैं जैसे कि 45 वाले केस में हुआ था तो हम इसे बोलते हैं कि इट कैन नॉट इट इज नॉट डिविजिबल बाय बी. हम ये बोलेंगे कि 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ठीक है, अगली चीज आती है लेमा. अभी लेमा क्या है सर, ये तो नया नया वर्ड आ जाता है, एक समझ में आ नहीं रहा है. लेमा इज नथिंग, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट और थ्योरम. एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि दूसरे स्टेटमेंट्स या थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज हो, दैट इज कॉल्ड एज लेमा. ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज हो, एंड दिस लेमा इज ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेमा. नाउ वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है भाई? एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड, जिनके पोस्टुलेट्स हम लोगों ने पढ़े थे, दैट वाज कॉल्ड एज यूक्लिड्स पोस्टुलेट, जो हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था. हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ाया था मैंने, मुझे याद. तो वही यूक्लिड है, उन्होंने एक ज्योमेट्री में तो जो कारनामे किए थे वो किए ही थे, उन्होंने कुछ दूसरी जगह पे भी कुछ कारनामे किए हैं, और उन्होंने एक थ्योरम दी है, एक लेमा दिया है, दैट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिविजन लेमा. नाउ व्हाट इज दिस यूक्लिड्स डिविजन लेमा, समझने की कोशिश करते हैं. लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ हियर दे हैव चेंज द थिंग. यहाँ पे ऊपर जब हम यूक्लिड्स डिविजन लेमा की बात करेंगे, एट दैट टाइम वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन जब हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो इंटीजर्स. नॉन जीरो इंटीजर्स, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टिंक्शन है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर्स. लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ क्यू प्लस आर. Such that A is equal to B times of Q plus R. यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो R होता है इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर और B से कम होती है. कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अभी अभी हम लोगों ने यही चीज देखी थी. क्या देखा था, याद करवा दो जरा. जब 45 को 6 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे 7 आया था, यहाँ पे 42 आया था, यहाँ पे 3 आया था. ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो एंड ये जो रिमाइंडर 3 आ रहा है बेटा, कोई भी डिवीजन का केस ले लो, ये जो रिमाइंडर 3 है ये हमेशा 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 इस डिवाइजर से कम होगा, या तो जीरो होगा या तो डिवाइजर से कम होगा. चेक करके देख लेना, अगर विश्वास ना हो अगली क्लास तो अगर बड़ा होगा तो एक और बार डिवाइड हो जाएगा. चेक करके देख लेना, आई एम लीविंग इट टू यू. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन, इस स्टेटमेंट को, जिस बात को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसी बात को यूक्लिड ने एक यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख दिया. और उन्होंने क्या बोला कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए, इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट two unique integers q and r such that a is equal to b times of q plus r. और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो जीरो से ले जीरो या जीरो के बराबर होगी और b से छोटी होगी. This was the statement that was given by Euclid, and this statement is called as Euclid's division lemma. इस स्टेटमेंट के थ्रू हम एक चीज और यहाँ पे पता करते हैं, that dividend is equal to डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. जो डिस्टिंक्शन हम लोगों ने अभी किया था, सर वॉट इज डिविडेंट, वॉट इज डिवाइजर, वॉट इज कोशेंट, उसके हिसाब से यहाँ पे हमने एक चीज लेकर आए कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर.
Now, one more thing. This lemma, this statement can also be extended to negative integers, but jo unhone diya tha, that was for positive integers. Okay, now in current era, we can say that it can be extended to negative integers also. But at that time, the statement that was given, agar aapse koi puche, one marker mein agar aata hai, write down the statement of Euclid's division lemma, aap yahan pe two positive integers hi likhoge. आप यहां पे इंटीजर्स नहीं लिखोगे. समझ में आई मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यू विल राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड इंटीजर्स हियर. गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे. इंटीजर्स नहीं यूज करना है, पॉजिटिव इंटीजर यूज करना है. समझ में आई बात? बोलो हाँ. सर, तो पॉजिटिव इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर लिख देते तो ज्यादा ही चेंज. देखो बेटा, स्टेटमेंट होता है. अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेटमेंट पूछा, यस यू कैन राइट इट लाइक दैट आल्सो, बट नहीं, नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे इट कैन बी जीरो ऑल्सो, बट अगेन वहां पे फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. देखो, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के लिए हम ऐसे ही कर सकते हैं. यहाँ पे फिर दो टाइप, अगर आप नेचुरल नंबर लिखोगे तो यू कैन राइट, यस यू कैन राइट नेचुरल नंबर, बट इफ यू आर बीइंग आस्क्ड राइट डाउन द स्टेटमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली द सेम स्टेट. ठीक है, स्टेटमेंट जब पूछा वहां कोई चेंज मत करो. समझने के लिए यू कैन टेक इट एज नेचुरल नंबर. इनफैक्ट समझने के लिए ए कैन बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बी कैन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या बी कैन बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो. ठीक है, तो समझने के लिए यू कैन से, बट वेन एवर द स्टेटमेंट इज आस्क्ड एट दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस. ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है सभी लोगों को? से यस और नो? यस सर. ठीक है, नाउ वी विल नॉट गो फर्दर, आई विल स्टॉप हियर टुडे.